गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का संस्कृत का कौन सा फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर? फोर्थ चैप्टर क्या है? मम विद्यालयम। क्या है मम विद्यालय? मतलब मेरा विद्यालय। ठीक है, जैसा अपना विद्यालय है पीसी, वैसा तो दो बच्चों का कन्वर्सेशन है जिसमें क्या लिखा है, बच्चे अपने विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो पहला जो है, पहले नाम का जो स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? रमेश। क्या नाम है? रमेश। तो रमेश क्या बोलता है? सुरेश त्वम कुत्र गच्छसि। जो रमेश है वो किससे पूछता है? सुरेश। तो सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो? क्या सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो? इस सुरेश, सुरेश क्या बोलता है? सुरेश है, मित्र अहम विद्यालयम गच्छामि। मित्र मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रमेश, रमेश क्या बोलता है? तब विद्यालयम कीदृश आसीत। तुम्हारा विद्यालय कैसा है? रमेश किससे पूछता है? सुरेश से पूछता है कि तुम्हारा विद्यालय कैसा है। तो सुरेश, सुरेश मम विद्यालय सुंदर अस्ति। मेरा विद्यालय कैसा है? सुंदर है। तो रमेश, रमेश क्या बोलता है? अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि। रमेश क्या बोलता है? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारा विद्यालय देखूंगा। ठीक है, गमिष्यामि तब विद्यालयम च दृश्यामि। तो क्या, तुम्हारे साथ विद्यालय जाऊंगा और तुम्हारा विद्यालय देखूंगा। सुरेश अवश्यम, है ना, अगक्षम आवाम सहेब विद्यालयम गक्षावः। सुरेश क्या बोलता है? अवश्य आओ, हम दोनों साथ ही विद्यालय जाते हैं। ओके, फिर रमेश, रमेश क्या बोलता है? त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि के च त्वाम पाठयन्ति। सुरेश क्या पूछता है? रमेश, सॉरी, रमेश क्या पूछता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? त्वम कस्य कक्षायाम पठसि, मतलब तुम किस कक्षा में पढ़ते हो और कौन तुम्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद सुरेश, अहम सप्तमी कक्षायाम पठामी। मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? सातवीं क्लास में पढ़ता हूँ। मम कक्षा अध्यापक श्रीमान रमन लाल शास्त्री अस्ति। कौन है? मेरे कक्षा अध्यापक, मेरे मतलब क्लास टीचर। ठीक है, तो मेरे क्लास टीचर कौन है? श्रीमान रमन लाल शास्त्री जी हैं। ओके, उसके बाद है सह अस्साम संस्कृतम संस्कृत भाषाम पाठयति। वह हमें क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत भाषा, मतलब संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अन्य अपि अनेके योग्यः अध्यापकः सन्ति, मतलब दूसरे भी अनेक योग्य अध्यापक हैं। ये अस्मान् स्नेहम आंग्ल भाषा, गणितम हिंदी भाषा तथा अन्यान विषयात पाठयन्ति। जो हमें प्यार से इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ओके, आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश, गणित ओके, हिंदी तथा अन्य विषय हमें क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ओके, रमेश, रमेश क्या बोलते हैं? तब कक्षायाम कति छात्रा सन्ति। रमेश पूछता है तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सुरेश क्या बोलते हैं? मम कक्षायाम 50 छात्र सन्ति, सर्वे मम मित्राणि सन्ति। मतलब सुरेश बोलता है कि हाँ, प्रत्येक क्या बोलता है, तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सुरेश क्या बोलते हैं? मेरे कक्षा में कितने छात्र हैं? 50। कितने? 50 छात्र हैं, सब मेरे क्या हैं? मित्र हैं। सायंकाले वयम सर्वे मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़ाम। क्या है? सब लोग शाम को हम क्या करते हैं? सब लोग हम मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खेल के मैदान में। और क्या करते हैं? खेलते हैं। मम विद्यालय एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। मेरे विद्यालय में एक विशाल मतलब बहुत बड़ा क्या है? खेल का मैदान है। ठीक है, उसके बाद सुरेश, सुरेश क्या बोलता है? सुरेश बोलता है किम तब विद्यालय बाल सभा अपि भवति। तुम्हारी कक्षा में, ओ सॉरी, किम मतलब क्या, है ना, क्या तुम्हारे विद्यालय में बाल सभा होती है? तो क्या बोलता है सुरेश?
हाम प्रति सप्ताह बाल सभा भवती, क्या बोलता है? हाँ, प्रत्येक सप्ताह क्या होती है? बाल सभा होती है। पूज्य प्राचार्य असभ्यम उपदेशम यक्षति, क्या होता है? जो पूज्य मतलब श्रीमान, जिसको हम बहुत आदर देते हैं, उनको पूज्य अध्यापक हमें उपदेश देते हैं। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल, ठीक है? प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, क्या देते हैं? हमें उपदेश देते हैं, मतलब हमें बताते हैं, जो अपन बोलते हैं ना, जिसको मतलब लेक्चर, या फिर अपन बोलते हैं कि जैसे प्रेयर में अपनी मैडम अपन को बताती है सब टॉपिक के बारे में, तो वैसे ही उनको भी जब बाल सभा होती है तो उनके जो टीचर प्रिंसिपल रहते हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं और भाषण देते हैं। अतः सर्वे छात्र अनुशासनम पालयंती, है ना? तो क्या होता है, इसलिए सब छात्र अनुशासन का पालन करते हैं, ठीक है? रमेशः रमेशः धन्य असि त्वम्, क्या है? तुम धन्य हो, ठीक है? तो ऐसे ही अपना भी विद्यालय है, अपन जब किसी अदर दोस्त या किसी से मिलते हैं तो अपन भी अपने विद्यालय की तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपना विद्यालय भी ऐसे ही विद्यालय है, ठीक है ना? तो अपना ये चैप्टर एंड हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का संस्कृत का कौन सा 4th चैप्टर पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर। 4th चैप्टर क्या है? मम विद्यालयम, क्या है? मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय, ठीक है? जैसा अपना विद्यालय है पीसी, वैसा तो दो बच्चों का कन्वर्सेशन है जिसमें क्या लिखा है, बच्चे अपने विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो पहला जो है, पहले नाम का जो स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? रमेश। क्या नाम है? रमेश। तो रमेश क्या बोलता है? सुरेश त्वम कुत्र गच्छसि, जो रमेश है वो किससे पूछता है? सुरेश। तो सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो? फिर सुरेश, सुरेश क्या बोलता है? सुरेश है, मित्र अहम विद्यालयम गच्छामि, मित्र मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रमेश, रमेश है क्या बोलता है? तव विद्यालयम कीदृश आसीत, तुम्हारा विद्यालय कैसा है? रमेश किससे पूछता है? सुरेश से पूछता है कि तुम्हारा विद्यालय कैसा है। तो सुरेश, सुरेश है, मम विद्यालय सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय कैसा है? सुंदर है। तो रमेश, रमेश क्या बोलता है? अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि, रमेश क्या बोलता है? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारा विद्यालय देखूंगा, ठीक है? गमिष्यामि तव विद्यालयम च द्रश्यामि, तो क्या, तुम्हारे साथ विद्यालय जाऊंगा और तुम्हारा विद्यालय देखूंगा। सुरेश अवश्यम, है ना? अगक्षम आवाम सहेब विद्यालयम गक्षावः, सुरेश क्या बोलता है? अवश्य आओ, हम दोनों साथ ही विद्यालय जाते हैं। ओके, फिर रमेश, रमेश क्या बोलता है? त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि, के च त्वाम पाठयन्ति, सुरेश क्या पूछता है? रमेश, सॉरी, रमेश क्या पूछता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? त्वम कस्य कक्षायाम पठसि, मतलब तुम किस कक्षा में पढ़ते हो और कौन तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है? उसके बाद सुरेश, अहम सप्तमी कक्षायाम पठामि, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मम कक्षा अध्यापक श्रीमान रमन लाल शास्त्री अस्ति, कौन है? मेरे कक्षा अध्यापक, मेरे मतलब क्लास टीचर, ठीक है? तो मेरे क्लास टीचर कौन है? श्रीमान रमन लाल शास्त्री जी हैं। ओके, उसके बाद है सह अस्साम संस्कृतम संस्कृत भाषाम पाठयति, वह हमें क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अन्य अपि अनेके योग्यः अध्यापकः सन्ति, मतलब दूसरे भी अनेक योग्य अध्यापक है। ये अस्मान् स्नेहम आंग्ल भाषा गणितम हिंदी भाषा तथा अन्यान
विषयात् पाठयन्ति, जो हमें प्यार से इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ओके, आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश, गणित ओके, हिंदी तथा अन्य विषय हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ओके। रमेश, रमेश क्या बोलते हैं, तब कक्षायाम कति छात्रा संति, रमेश पूछता है तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं, तो सुरेश क्या बोलते हैं, मम कक्षायाम पचासत छात्र संति, सर्वे मम मित्राणि संति, मतलब सुरेश बोलता है कि हाँ प्रत्येक क्या बोलता है तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं, तो सुरेश क्या बोलते हैं, मेरे कक्षा में कितने छात्र हैं, 50, कितने 50 छात्र हैं, सब मेरे क्या है, मित्र हैं। सायंकाले वयम सर्वे मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़ाम, क्या है, सब लोग शाम को हम क्या करते हैं, सब लोग हम मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, खेल के मैदान में, और क्या करते हैं, खेलते हैं। मम विद्यालय एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, मेरे विद्यालय में एक विशाल मतलब बहुत बड़ा क्या है, खेल का मैदान है, ठीक है। उसके बाद सुरेश, सुरेश क्या बोलता है, सुरेश बोलता है किम तब विद्यालय बाल सभा अपि भवति, तुम्हारी कक्षा में किम मतलब क्या है ना, क्या तुम्हारे विद्यालय में बाल सभा होती है, तो क्या बोलता है सुरेश, आम प्रति सप्ताह बाल सभा भवति, क्या बोलता है, हाँ प्रत्येक सप्ताह क्या होती है, बाल सभा होती है। पूज्य प्राचार्य असभ्यम उपदेशम यक्षति, क्या होता है, जो पूज्य मतलब श्रीमान जिसको हम बहुत आदर देते हैं, उनको पूज्य प्रधान अध्यापक हमें उपदेश देते हैं, प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, क्या देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, मतलब हमें बताते हैं, जो अपन बोलते हैं ना जिसको मतलब लेक्चर, या फिर अपन बोलते हैं कि जैसे प्रेयर में अपनी मैडम अपन को बताती है सब टॉपिक के बारे में, तो वैसे ही उनको भी जब बाल सभा होती है तो उनके जो टीचर प्रिंसिपल रहते हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं और भाषण देते हैं। अतः सर्वे छात्र अनुशासनम पालयन्ति, है ना, तो क्या होता है, इसलिए सब छात्र अनुशासन का पालन करते हैं, ठीक है। रमेशः, रमेशः धन्य असि त्वम, क्या है, तुम धन्य हो, ठीक है। तो ऐसा ही अपना भी विद्यालय है, अपन जब किसी अदर दोस्त या किसी से मिलते हैं तो अपन भी अपने विद्यालय की तारीफ करते हो कि नहीं करते हो, करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना विद्यालय भी ऐसे ही विद्यालय है, ठीक है ना। तो अपना ये चैप्टर एंड हो गया, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ओके बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।